पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। हेलो अर्चना जी। हेलो। क्या बात है, आज शो में विटामिन सी की कमी नहीं होने वाली। ऐसा संतरा लग रही हैं आप, बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा जी, हमारा हमेशा से सौभाग्य रहा है कि पूरे भारत से अलग अलग भाषाओं की सुपरहिट फिल्म्स हमारे शो पे आती हैं। जैसे मराठी फिल्मों की अगर बात करें तो सैराट, वेड, साउथ की फिल्मों की बात करें तो PS1, RRR, विक्रम। उसी तरह से पंजाबी भाषा की एक सुपर डुपर हिट फ्रेंचाइज है कैरी ऑन जट्टा। आज उस फिल्म की स्टार कास्ट हमारे यहाँ मौजूद है, तो चलिए सबसे पहले बुलाते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच, प्लीज वेलकम एक्टर सिंगर प्रोड्यूसर मिस्टर गिप्पी ग्रेवाल। सोनम, आप इस सीजन में दूसरी बार आ रही हैं, क्या समझूं मैं इसे? बहुत ज्यादा बिजी हैं आप, बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। सीजन ही इनका है एक्चुअली। थैंक यू, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आपको अच्छा नहीं लगा मैं दूसरी बार इतनी जल्दी? नहीं, मैं तो कहता रोज आओ आप, आप हमारे शो पे परमानेंट हो जाओ। हम लड़कों को लड़कियां बनाना थक गए हम, अगर आप आ जाएंगी तो हमारे शो में ओरिजिनल ग्लैमर हो जाएगा। नहीं अर्चना जी, कितना टाइम लगता है लड़की बनने में आपको बताइए, मतलब हमारे लड़कों को। ओह, आपको पता है हमारा शो पिछले महीने ब्रेक पे जाने वाला था। अच्छा। हाँ, तो जब मुझे पता चला कैरी ऑन जट्टा 3 में आप हैं तो हमने सोचा कोई नहीं, कैरी ऑन करते हैं, ब्रेक तो लेते रहेंगे। कैरी ऑन जट्टा बहुत जाने लगे। मेरे भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ और आप इसे सीरियसली भी ले सकती हैं। How was your US trip, सोनम? काफी अच्छा था, बहुत मजा आया। और अगर आप US को मिस कर रही हैं तो इस बार आप फिर जा सकती हैं, स्वयं श्री कपिल शर्मा जा रहे हैं US। अगर आपका मन हो मोस्ट वेलकम। मैं आपको गिप्पी बाजी के बारे में एक बात बता दूं, ये मल्टी टैलेंटेड हैं, ये सिंगर हैं, ये राइटर हैं, ये एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर तो ये हैं ही, और कोई तो मुझे बता रहा था आपकी टीम से, कहते हैं गैस वाले गीजर भी ठीक कर लेते हैं। तो भाई एक बात बताओ, इतने सारे काम आप खुद कर लेते हो, किसी ने कहा ना भी कोई तो काम हमारे लिए छोड़ जाता? सर छोड़ा एक काम मैंने, हैं आपके लिए छोड़ा एक काम। पर मेरा भाई बहुत ही टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ना गिप्पी भाई का इंस्टाग्राम देख रहा था, ये भाभी के साथ ना हाथ में हाथ डाल के रील्स बड़ी डालते हैं। कभी भाभी ने कहा ना कि इंस्टाग्राम पे रील मेरे साथ डालते हो, फिल्म की बारी आती है तो दूसरे हीरोइनों को ले लेते हो आप। भाभी कितनी ब्यूटीफुल है, मतलब कभी आपने सोचा नहीं? ये एडिट भी होती है चीजें इसमें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया भाई। अच्छा। अले तक तो नहीं किया, मतलब इस शो के बाद हो सकता है कि वो दिमाग में आइडिया आ जाए। दिमाग में आइडिया, क्योंकि आप आइडिया तो देते ही हो। अजी आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जोरदार तालियां हो जाए यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू कपिल जी। और ये जी, जल्दी से बैठा लीजिए क्योंकि कुर्सी के पास लग गए ना थोड़ा सा, हमें से आपको पता थोड़ा सा चले गया होगा ना, लगातार खड़े नहीं रह सकते। नहीं नहीं, लेट जाओ थोड़ी देर आपको। लेटने के लिए हम वो आदमी लाए हैं। ये इतनी खूबसूरत स्टार कास्ट है इस फिल्म की, और मुझे लगता है जितना लोग इस फ्रेंचाइज को प्यार दे रहे हैं पाजी, पता नहीं इसके और कितने पार्ट बनने वाले हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है सबको देख के। घुग्गी पाजी मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे टीचर हैं कॉलेज के टाइम पे। अच्छा, बीनू पाजी और घुग्गी पाजी को हमने हमेशा साथ में देखा, चाहे फिल्म हो, चाहे कोई अवार्ड शो हो, चाहे क्रिकेट खेल रहे हो आप सेलिब्रिटी। अजी आप साथ में रहते हैं, आपका प्यार है कि एक दूसरे की मजबूरी है कि अकेला चला गया तो एक दूसरे के राज ना खोल दें, क्या चक्कर है? अब तो मतलब इतनी दोस्ती है तो हमारे राज भी जो वो भी एक साथ ही हैं। Exactly. मैं आपको हमेशा प्राउड फील कराता हूँ, मैं आपको एक बार और बात बोलना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने एक एपिसोड किया है पूरी इंग्लिश में। अच्छा। या कमाल कर दिया, लोगों के ऊपर है। कौन थे गेस्ट, कौन थे? क्रिस गेल एंड ब्रैटली ब्रो। अच्छा, ब्रैटली और क्रिस गेल। तो उनको ट्रांसलेशन किसने करके बताया कि क्या कह रहे हैं इंग्लिश में? कुछ कुछ मैंने किया लेकिन इसकी अंग्रेजी एक्चुअली। और जब जब ये ट्रांसलेट कर रहे थे मुझसे पूछ रहा व्हाट शी सेड, मैं ये दुनिया का पहला शख्स है जिसकी एंकरिंग में भी रीअपीयर आई है। आइए पाजी, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। बीनू पाजी, मैं देख रहा था आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बड़ी सारी वीडियोस डाली बिहाइंड द सीन जी। ये आज शूटिंग का पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा, दसवां, पच्चीसवां। अगर कैरी ऑन जट्टा 2-2.5 घंटे की है तो इन्होंने कम से कम 60 घंटे का बिहाइंड द सीन खा चुके हैं ऑलरेडी।
प्रोड्यूसर आदमी अगर गिनता है दिन तो उसका समझ में आता है कि इंग्लैंड में शूटिंग कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा हो रहा है। आप क्यों दिन गिन रहे थे? नहीं, मुझे एक्चुअली प्रोड्यूसर और ये मेरा भाई, इसने लिया ही इस वजह से था कि तुझे भाई पैसे तो तू ठीक ठाक ही एक्टर तो और हर रोज वीडियो डालनी है और हमने फिल्म को पहले से ही उठा के रखना है। और सर ये ऑडियंस को नहीं बताते, ये प्रोड्यूसर को बताते हैं 25 दिन तूने लिए हैं, आज 23वां दिन है, 24वां दिन है, ये असल में प्रोड्यूसर को बता रहे होते हैं। अरे एक्चुअली मुद्दा और है जी, वो आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम उनसे पैसे भी मिलते हैं। अच्छा, वीडियो डालने के। हमारे जो राइटर हैं नरेश कुदुरिया जी, जी वो 10-15 लाख रुपए इकट्ठा भी करके बैठे हैं कैरी ऑन के कंटेंट से, तो आफ्टर रिलीज मैं उन पे स्ट्राइक मार के वो लेने भी वाला हूँ। तो बिनू जी को तो चलो मैंने बोला था, इनको हमने छोट दे रखी है। देखा बात सही निकली, सो वाटर कूलर मेरा हुआ। कविता को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, मेरी बड़ी पुरानी दोस्त है, हम लोग साथ में कॉमेडी सर्कस में पार्टनर थे। चलो चले फिर हम तो। ये क्या बात हुई, मेरे को छोड़ के सीधा कब तक? नहीं भाजी, ऐसा कहीं लिखा थोड़ी है, ऐसे ही जाना है, हो सकता है वहां से आया आ जाओ। नहीं, आपके पास आते हैं बिल्कुल। और कविता इतनी कमाल की एक्ट्रेस है, FIR सीरियल आप सब जानते हैं, बहुत सारे टीवी शोज, रियलिटी शोज, फिल्में, लेकिन जो इन्होंने इंस्पेक्टर चौटाला का किरदार निभाया ना, वो एक्चुअली लोगों को इतना अंदर उनके दिमाग में बैठ गया ना, ये कभी पुलिस स्टेशन के सामने से निकलती ना, कांस्टेबल उठ के उनका सल्यूट निकल जाता है, उनको लगता है। कविता सच्ची बताना, आपको कभी किसी ने सच्ची का इंस्पेक्टर समझा है? बहुत बार, इनफैक्ट कई बार गांव वगैरह में, जैसे मेरे पापा का गांव राजस्थान में है, तो हम कई बार जब जाते हैं, लोगों को यही लगता है कि मैं सच में पुलिस वाली हूँ, अपने बच्चों की कंप्लेंट लेके आ जाते हैं मेरे पास। और कई बार कोई बिना हेलमेट के जा रहा है, ऐसे 1000 पकड़ा के चला जाता है। ये पकड़ भी लेती है। आई नॉट, आई एम वेरी चीप। ये आप इन सब में से आप अकेली नॉन पंजाबी हैं, तो ये सारे बड़े शरारती हैं, परेशानी की आपको? एक्चुअली परेशान भी करते थे, तो पंजाबी में ही कुछ ना कुछ बोलते थे सेट पर, और ठेठ, यू नो, बीनू जी की और सोनम की पंजाबी बहुत अच्छी है, लाइक एकदम ठेठ पेंडू पंजाबी जो है ना वो बोलते हैं ये दोनों, एंड नॉर्मल पंजाबी आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन इनकी पंजाबी बिल्कुल। पर बड़ी बात है, तुम्हें पेंडू का मतलब पता है? पेंडू पंजाबी, ये बड़े कम लोगों को पता था पेंडू पंजाबी। इनको सब थे, बट ये छिड़ती सर बीनू जी से। लेकिन बीनू जी, सोनम जी, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, उन्होंने कहा इनकी तो नॉर्मल पंजाबी है, आपकी अब नॉर्मल पंजाबी। मैं कविता की टीम में थी, जब भी इनमें से सब उनको परेशान करते थे, तब मैंने हमेशा कविता की साइड। जब मुझे पता चला कि ये उनकी टीम में, फिर मैं भी इनके साथ ही लगे, मैंने आप अपनी टीम में मुझे ले लो। देखो अब सोनम जी ने खुलासा कर दिया है कि मैं परेशान होती थी, यूजुअली मेरी इमेज ऐसी है कि यही परेशान करती है सबको, सो नाउ एवरीवन नोस। नहीं, इमेज ही नहीं ऐसी, आप हो भी ऐसी, परेशान कर तो देती हो आप। हाँ, एक किस्सा मुझे कपिल और मेरा याद है, हम हाथरस से आगे एक मेले में गए थे, याद है? उस मेले में अर्चना जी, थोड़ा सा ना क्राउड राउडी था। अच्छा, तो और कपिल और कृष्णा ने मुझे कहा था, चल चल ये इवेंट बहुत अच्छा है, उन दिनों FIR वाज यू नो ऑन द पीक, कपिल तो खैर हमेशा से ही इज कपिल शर्मा, सो दे वर लाइक नहीं नहीं बड़ा मजा आएगा और मेला है, हमें ना सारी ऑडियंस को कैप्चर करना चाहिए। मैंने अच्छा, वहां पे एक और बात थी, हम सब आर्टिस्ट, हमारी छोटी छोटी फोटो और सुरेंद्र तबले वाले की बड़ी फोटो। एंड यू नो इतना राउडी क्राउड था, बहुत ज्यादा लोग गाड़ी पर भी पीट वगैरह रहे थे, तो मैंने कपिल को इतना आई एम सॉरी बट डांटा, मैंने कहा तेरी वजह से आए हैं हम, अब कपिल तू मेरे आगे चलेगा और मेरे पीछे कृष्णा चलेगा, और अगर मुझे किसी ने चूटी काटी तो तुम्हारी मैं चाकू से छील दूंगी। थोड़ी देर बाद यही हमें बचा के निकलवा के आई वहां पे। सीरियसली ये रूप मैंने कविता का उस समय पहली बार देखा था। सर जसविंदर पाजी, जसविंदर पल्ला साहब हमारे पंजाब के बहुत ही सीनियर एक्टर हैं, हम लोग बचपन से इनको देख रहे हैं कॉमेडी करते हुए, और शादी के बाद और ज्यादा कॉमेडी करने लगे हैं। नॉर्मली पाजी शादी के बाद बंदे की स्माइल थोड़ी कम हो जाती है, आपने मेंटेन रखी हुई, देखो अभी भी आप मुस्कुरा रहे हैं। अरे क्या फॉर्मूला क्या है जसविंदर पाजी इसके पीछे? बस समझ लो मेरी बीवी मेरे को हंसने के लिए मजबूर करती रहती है। अच्छा जी, बस गल खत्म? बस गल खत्म। बेसिकली पाजी ना, अभी 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 हमने देखा अपने जो भी हिंदी वाले जो भी टीचर्स थे इनके आसपास, वहां से पूछ रहे थे कि हिंदी की प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत ना पाजी, बोल रहे कि नहीं यार कैसे करेंगे, हमसे सबसे ज्यादा पाजी बेटियां वैसे सुनाते हैं, सबसे ज्यादा मतलब पंचेज इनके पास हैं, अब ऐसे है कि हिंदी कैसे बोले, तो उनको उनको पूछ रहे हैं बारी बार, यार वो टूना टप को क्या कहते हैं हिंदी में?
और ये प्रैक्टिस करने के लिए सुबह से जितने इनके दोस्त दिल्ली में बेंगलोर में सबसे सुबह से हिंदी में बात है, अनुराधा क्या हाल है तुम्हारा। ये सही बात है, पंजाबी आदमी इंग्लिश से इतना नहीं डरता जितना हिंदी से डरता है। और ये कहावत है, लोग आमतौर पर बोलते हैं कि जो फनी आदमी होता है ना लड़कियां उसकी बड़ी फैन होती है। तो कितनी गर्लफ्रेंड रही है आपकी शादी से पहले? शादी से पहले के मतलब टोटल टोटल फसाना नहीं चाहता आपको शादी से पहले पहले वाली एक तो इन्होंने बता दी अनुराधा, मुझे भी आज पता चला है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।